हेलो एवरीवन, मैं सेल्स ओपनर सर और आप इस अपन कंटिन्यू करेंगे अपना जो चैप्टर फर्स्ट था जो कि रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेट चालू किया था। ठीक है, तो उस पे आज कंटिन्यू करते हैं। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसमें बताया था फैक्टर्स, फैक्टर ट्री क्या होता है, प्राइम कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले अपन स्टार्ट करने से पहले अपन पिछले क्लास का जो होमवर्क है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने होमवर्क में लास्ट टाइम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन इतने भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे कि कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से एक्सरसाइजेस दिए थे एनसीईआरटी के, ठीक है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के। तो उसके एक्सरसाइज 1.1 तो सबको करनी ही थी, वो तो बाय डिफॉल्ट सबने की ही है। वैसे बहुत लोगों के मुझे रिस्पॉन्स आया कि होमवर्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हो गया। ठीक है, लेकिन 5-6 लोग अभी भी है जिनके रिस्पॉन्स नहीं आए हैं। तो जिनके नहीं आए, एक बार मुझे रेगुलरली अपडेट करते रहो, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों का कर रहे हैं, कोई अच्छे से बना पा रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है, कोई दिक्कत जा रही है, किसी भी प्रकार की इश्यूज आ रही है, तो मुझे कन्वे कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था और एक और चीज, एक्सरसाइज 1.1 जो है वो अपना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे था, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 जो था वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। बट बहुत लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि शायद क्लासेस में स्कूल के क्लासेस में हो गया होगा उनका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप आज अपन है ना एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो तुम्हारा आज होमवर्क रहेगा, जो वापस से मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन तुम प्रीवियसली करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसमें मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है वही नहीं बताया तो कैसे कर पाओगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो ये वाला था, जिनका एक डाउट था, बहुत लोगों का ये डाउट आया था एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। ठीक है, तो 616 मेंबर्स है एक आर्मी में, और उस वो लोग किसके पीछे मार्च करने वाले हैं, 32 मेंबर्स। चलो मान लेते हैं, यहाँ पे जितने मैंने बॉक्स बनाया है उसमें जितने भी लोग हैं, सपोज मान लो 32 मेंबर्स है, ये कौन लोग है, ये आर्मी बैंड वाले हैं, जो आगे बैंड बजा के चलते रहते ना, वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, और इनके पीछे मुझे कितने लोग को मार्च करवाना है, 616 मेंबर्स को मार्च करवाना है, जो आर्मी है में वो इनके पीछे मार्च करती है, हमेशा बैंड आगे चलता है, बाकी मेंबर्स पीछे चलते हैं, राइट? तो अब मार्चिंग में जब मार्च करते हैं कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी मार्चिंग करते हैं, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मार्चिंग में क्या होता है, सब एक लाइन में जाते हैं, सब रोज एंड कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जितने नंबर ऑफ रोज इसमें होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें होंगे, उतने नंबर ऑफ कॉलम इसमें होंगे, उससे ज्यादा तो होते नहीं है, कि जितने जिसमें इसमें जितने लोग हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स इतने ही लोग रहेंगे इसमें, है ना? तो ये हमें क्या करना है, इसका मतलब उसने पूछा मैक्सिमम, ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसे कितने कॉलम्स पॉसिबल है, ऐसे कितने कॉलम्स पॉसिबल है, जितने उसमें होंगे इतने भी इसमें सेम ही रहेंगे क्योंकि मार्चिंग चल रही है। ठीक है, ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम्स पॉसिबल है सच दैट वो मार्च कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा है। तो हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है कि 32 एंड 616 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अपना जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा। रोज अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कम रोज होंगे, इसमें ज्यादा रोज होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मेंबर्स कम है, यहाँ पे मेंबर्स ज्यादा है, तो इनमें रोज कम होंगे, इनमें रोज ज्यादा रहेंगे, लेकिन कॉलम्स क्या रहेंगे, दोनों में फिक्स्ड। तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो सकता है पॉसिबल, वो निकालना है। मतलब मुझे मैक्सिमम जैसे वर्ड आया तो तुम्हें दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा हाईएस्ट, कुछ हाईएस्ट नंबर ऑफ चीज निकालनी है, तो इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, 32 एंड 616 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 ये निकालना है मुझे। ठीक है, ये निकालोगे वैसे अपना तुरंत आंसर आ जाएगा। तो निकालते स्टार्ट करते हैं, याद होगा तो एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मैंने बताया था। ठीक है, 32 को 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, 32 ये गया, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 29, 296 आ जाएगा, यहाँ पे 296 जैसे आया तो 32 10 से 320 होता है, 32 9 से हो जाएगा, है ना, 32 9 से कितना हो रहा है, 9 2 से 18, 9 से 27 28 और ये हो जाएगा अपने पास 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 8, रिमाइंडर नॉन जीरो है, वापिस से आगे प्रोसीड करेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 8, यहाँ पर 32, देख सकते हो कि 32 को वापस से 8 से डिवाइड करोगे तो 8 कितना सा 4 सा 32 होता है और रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 0। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो लास्ट डिवीजन अपन कर रहे हैं और उसका जो डिवाइजर है लास्ट डिवाइजर वही अपना क्या होता है, एचसीएफ।
LCF of 616 and 32 is equal to 8. मतलब दोनों मेंबर्स मतलब पूरे मार्चिंग में 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 8 कॉलम बनाएंगे इसमें एंड सिमिलरली इसमें भी 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे. जैसे कि देखो 8 कॉलम बनाएंगे सबको ऐसे कुछ 1, 2, 3 ऐसे ऐसे ठीक है 32 मेंबर्स हैं ठीक है और 8 कॉलम बनाने ऐसे 1, 2, 3 सो ऑन टिल 8 कॉलम्स बनाएंगे ऐसे तो रोज कितने हो जाएंगे ऐसे 1, 2, 3 और 4 क्योंकि 8 4 32 तो 4 रोज रहेंगे 8 कॉलम्स रहेंगे इसके लिए लेकिन बैंड के लिए ठीक है. सिमिलरली अगर नीचे वाले मेंबर्स के लिए भी देख सकते हो तुम कितने मेंबर्स है 616 मेंबर्स है वापिस इसमें 8 कॉलम रहेंगे 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन टिल 8 कॉलम्स और इसको डिवाइड भी कर सकते हो चाहिए तो 616 डिवाइड बाय 8 करके देख लो कितना जा रहा है ठीक है 8 5 6 7 8 56 और 5 आ रहा है वापस से 8 56 मतलब कितने कितने रोज रहेंगे ऐसे 77 रोज रहेंगे तो यहां पे कितने रोज रहेंगे 4 रोज रहेंगे. बट इसका आंसर हमें ये नहीं बताना हमें क्या बताना सीधा ये सब तो मैंने ऐसे ही कन्वे करने के लिए बता रहा हूं कि समझ में आने के लिए. मेन तुम्हारा आंसर क्या है कि मैक्सिमम 8 कॉलम्स पॉसिबल हो सकते हैं सच दैट ये इनके पीछे एग्जैक्टली मार्च करे. तो इसको ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख लो. मैं यहाँ पे वर्डिंग लिखा नहीं रहा हूं लेकिन एग्जाम में तुम्हें एक एक वर्ड उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि ऐसे लिखो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 616 एंड 32 और फिर उसका यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन अगर दो. देखो इंग्लिश तो सबको आती है तो इसलिए मैं सब इंग्लिश वाले जो मैथमेटिकल जो बीच में स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ लेकिन तुम्हें लिखने पड़ेंगे ठीक है. टेंथ के बोर्ड के हिसाब से सारे स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं ठीक है. यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम तो स्टार्ट करना है वी डिवाइड 616 बाय 32 जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो सब लिखते जाना है मतलब जो भी तुम्हारे स्टेप्स चल रहे हैं ठीक है वो सब लिखते जाना है. तो लिख लो इस क्वेश्चन को. ये एक ही क्वेश्चन डाउट था एक्सरसाइज 1.1 में. 1.2 में मेरे को 2-3 लोगों के डाउट्स आए थे लेकिन 1.2 को अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होने के बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 भी डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारा आज का होमवर्क रहेगा ठीक है. तो एक्सरसाइज 1.1 में एक ही डाउट था बाकी अपन ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ दिए थे लेकिन उसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया सबने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं 5-6 लोगों के अलावा क्योंकि 5-6 लोगों का मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है ठीक है. तो ये एक बार क्वेश्चन का आंसर अच्छे से एक बार लिख लो फिर अपन स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो फिर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ठीक है. तो ये बेसिक थ्योरम अभी तक अपने जितना ही पढ़ा है उस सबका कॉम्बिनेशन है ठीक है. सबसे पहले याद होगा अपने पढ़ा था फैक्टर क्या होता है ठीक है. फिर अपने फैक्टर ट्री बनाया था याद होगा जैसे फ्लो चार्ट की तरह चल रहा था फैक्टर ट्री उसके सारे फैक्टर्स निकालने के लिए. फिर अपने देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है तो ये सब थ्योरी ऑलरेडी पढ़ ली होगी तुम ठीक है क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी. तो मेजर मेन थ्योरम पे आते हैं जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बहुत ही सिंपल सी चीज है ठीक है. इतना बड़ा सा थ्योरम है तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा उसके लिए कोई सिंपल बड़ी चीज नहीं ठीक है. तो बोल कह रहे पहले पढ़ लेते फिर आगे बढ़ते क्या बोल रहे ठीक है. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन हर कंपोजिट नंबर मतलब क्या क्या होता है जैसे कि ले लो 4 ले लो 6 8 ये सब क्या है कंपोजिट नंबर्स है ठीक है. जिसका जिसके फैक्टर्स होते हैं वो 1 एंड इटसेल्फ से कम और भी ज्यादा होंगे ठीक है. 1 एंड इटसेल्फ से कि 8 जो है 8 के कौन कौन से फैक्टर्स है 1 तो आ रहे हैं 8 भी आ रहा है लेकिन इसके अलावा और भी अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है कंपोजिट नंबर ठीक है. तो वो क्या बोला देखो हर कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं उसको फैक्टराइज कर सकते हैं उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं. फैक्टराइज का मतलब फैक्टर्स निकालना कैसे फैक्टर निकालना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हर कंपोजिट नंबर को अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं. तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है देखो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ इस लाइन का मतलब ही क्या है कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ठीक है. बेसिकली यही बोलना चाहता है कि हर कंपोजिट नंबर को अपन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. इसका एग्जांपल दूंगा लेकिन पूरा कर लेते पहले. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब हर कंपोजिट नंबर को एक ही तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो उसको और कोई मेथड ही नहीं और कोई फैक्टराइज करने का तरीका नहीं है. जैसे कि अगर देखा जाए सपोज लेते हैं 12 एग्जाम्पल 1 ठीक है. अब 12 का अगर तुम फैक्टर ट्री बनाओगे जैसे कि ऐसे बनाते हैं 12 तो सबसे पहले 2
सिक्स जा रहा है, ठीक है, फिर आएगा टू, थ्री जा रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में आके खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3, ये अपने लास्ट क्लास में फैक्टर 3 के बारे में पढ़ा था, फैक्टर 3 के बारे में। तो इसको और भी कर सकते हो कि इसको लिख सकते हो 2² × 3, क्योंकि 2^1 और 2^1 दो 2 है, तो 2² हो जाएगा, 2² × 3। तो बेसिकली ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स देखो, प्राइम प्राइम प्राइम, तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिसको अपन 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, तुम अगर 12 को लिखने जाओगे 6 × 2, लेकिन ये प्राइम है क्या, 6 प्राइम है क्या, नहीं। इसका मतलब ये जो कंपोजिट नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्राइम्स है उसका यूनिक यानी एक ही सिंगल वे होगा जिस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि अच्छा 2 × 2 × 3 लिखा, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर 3 × 2 × 2, ठीक है, लेकिन देखोगे तो सेम थिंग है। इसीलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिक वे का मतलब क्या है कि यही तीन नंबर्स आएंगे कि 1 3 और 2 2, 1 3 और 2 2, तीनों नंबर्स क्या है, प्राइम, और तीनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 12, ठीक है। ये गलत है, ये 6 × 2 भी सही है 12, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन हम लोग इस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक कॉम्पोजिट नंबर को हर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से के मल्टीप्लीकेट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये लेते हैं 230, ठीक है, 230 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो बैठ के वापस से साइड में एक बार रफ में चीजों चेक कर लो, 230 देख लो 0 है तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 1 = 2, 15 5 आ गया। तुम चीज तो 5 से भी कर सकते हो, पहले चेक करो, 2 से तो जाएगा नहीं, और नंबर 3 से चेक करते हैं, 3 × 3 = 9, नहीं जा रहा 3 से, 5 से करते हैं, फिर 5 कितने बाय कितने बोले, देखो 5 × 2 = 10 एंड एक बचा 5 × 3 = 15। तो देख सकते हो इसके आगे फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 23 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 230 को अपन क्या लिख सकते हैं, 230 = 2 × 5 × 23, मतलब वापिस से फैक्टराइज हो गया, 2 × 5 × 23, तुम्हें चेक करो, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 230। इससे भी ज्यादा हो सकता है, अगर बड़ा नंबर कोई लेता हूं एग्जाम्पल में, और भी नंबर आ सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी होता है, डिपेंड करता है वो कंपोजिट नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। तो यही थ्योरम कहना चाहता है कि हर कंपोजिट नंबर को अपन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें तुम्हें अगर नो वन मार्क का क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें याद रखना है, ये तो याद रहेगा जब से तुम्हें, ठीक है। इसमें यूनिक को या अंडरलाइन करना तुम्हें नोटबुक में अच्छे से, यूनिक मतलब वापस से एक ही तरीका आएगा 2 × 2 × 3, और देखो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, तो ये ऑर्डर है, ये भी एक ऑर्डर है, दोनों सेम ही चीज है, तो ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना, ये और ये दोनों सेम ही चीज है। यूनिक का मतलब क्या है कि तुम इसको ऐसे मत लिख देना, इसका एक ही तरीका आएगा, वो है 2 × 2 × 3 या फिर 3 × 2 × 2, वो भी सेम ही तरीका है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अपन कहीं भी इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार इसको अपने नोटबुक में लिख लो, बहुत सिंपल सा मेथड है, फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बहुत सिंपल सा थ्योरम, उसके नीचे ये पूरा डेफिनेशन लिख देना। इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं कई जगह पे, पर अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना, इसमें दिखा दिया मैंने ऐसी, कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइम नंबर, बस इसको इतना याद रखोगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको ये भी कहते हैं कि फैक्टराइज कर रहे अपन, किसी भी नंबर को फैक्टराइज करना मतलब ये करो, अब से याद रखना इसको, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और उनके दोनों एग्जांपल्स देखो, फिर इसमें और भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स करूंगा, थोड़े बड़े बड़े नंबर्स के एग्जांपल्स करूंगा, देखो इसको अच्छे से। तो इसके और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। मैंने अगर 5 पार्ट दिए हैं, वैसे मैं इनके पहले 2 पार्ट बता देता हूँ, बाकी 3rd, 4th, 5th पार्ट तुम्हें अपने खुद से करना है, ठीक है। तो नोटबुक स्टार्ट करो, तुम यहाँ पे चाहिए तो वीडियो पॉज करके पांचों के पांचों पार्ट खुद से करके देख सकते हो कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 1001। देखो मैंने जो फैक्टर ट्री पढ़ाया था, तो फैक्टर ट्री से तो कर ही सकते हो सारे क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख सकते हो कि फैक्टर ट्री में क्या होता है कि बहुत लंबा हो जाता है, मतलब बार बार बॉक्स बनाना पड़ता है, बार बार ये करना पड़ता है, उसको शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हो कि मैं ऐसे डंडियों से करूंगा, ठीक है, लाइन से बना बना के करूंगा, देखना है, ठीक है। तो फैक्टर से भी करोगे तो चलेगा, ये वाला भी चलेगा 1001, इसके फैक्टर निकालिए, सब भी चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीधा इसमें फटाफट करके बता दो, ठीक है।
तो देख सकते हो 1001 है, ठीक है, देखना अगर जिनको नहीं आता एक बार वो भी देख लो, शायद बहुत लोगों को आता ही होगा ये सब। तो सबसे पहले चेक करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक कर ले, 3 3 9 1 3 3 9, ठीक है, कितना हो गया वापिस से, 1 बचा है, ठीक है, फिर वापिस से 11 नहीं जा रहा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, 7 से जा रहा है, चेक करते, 5 से तो नहीं जा रहा, 7 से चेक करते क्योंकि प्राइम चेक करना है मुझे, तो 7 से जा रहा है, नहीं चेक करते, 7 1 7 3 बचेगा, 7 4 28 2 बचेगा, 7 3 21 एकदम सही जा रहा है, 7 1 7 3 आ रहा है, 7 4 28 कितना हो गया, 7 4 28 में 2 बचा और 7 3 21 तो 143 आ रहा है। तो देख सकते हो 11 का फैक्टर है और किसी का फैक्टर नहीं है, 11 1 11 एंड 3 बचेगा तो 11 3 33 और लास्ट में 13 तो वैसे का वैसे ही प्राइम नंबर है। तो तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, देखना मैंने क्या किया, जिनको नहीं समझ में, 7 डिवाइड किया मैंने इसको इससे तो ये बचा, फिर इसका फैक्टर ढूंढना है, 7 तो नहीं आ रहा है, 11 से देखते हैं, 11 1 11 13 हो गया और लास्ट में इतना भी करके छोड़ सकते हो, लेकिन हमेशा लास्ट में 1 लाया करो वो भी चलेगा, 13 लास्ट में 13 वैसे का वैसे ही आएगा, 13 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बचते हैं ये सारे इनके क्या है, फैक्टर्स, यानी 1001 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 11 × 13, तीनों प्राइम से चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी कंटिन्यू करते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या है, 1771, ठीक है, 1771 को मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ, ऑफिस से चेक करते हैं, 3 पहले तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर, अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 1771 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 5 15, 3 9 27 नहीं जा रहा है, 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से चेक करते हैं, 7 से जाएगा कि नहीं चेक करते हैं, 7 7 2 14, 3 बचा, 7 5 35, 2 बचा और 7 21 सही जा रहा है, 7 2 14, 3 बचा। तुम्हें अगर डिवीजन नहीं आता तो साइड में बैठ के ऐसे लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि 7 से डिवीजन करके चेक करो, लेकिन तुम लोग को अभी तक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ओरली फटाफट डिवीजन करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ, ओरली देखते जाओ कैसे करते हैं, 7 2 14, 3 बचे तो 37 हो रहा है, 7 5 35, 2 बचे, 7 3 21, 253 आ रहा है, ठीक है, 253 के बाद इसमें क्या करेंगे, 11 से जा रहा है मेरे ख्याल से, देखो वापस से 11 11 2 22, देखो 7 से तो नहीं जा रहा ना, 7 3 21 नहीं, 7 से भी जा रहा है, एक बार चेक करो शायद जा रहा है, 7 3 21, 4 और 7 6 43, सही है, 7 6 42 होता है ना, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा 11 से ही करो, ठीक है, तो 11 से कितना है, देखो 11 2 22 और 3 बचा, 11 3 33 और ये खत्म, 23 1 23, मतलब आंसर सीधा आ गया, 1771 इज इक्वल टू 7 × 11 × 23, ठीक है। चलो चलो एक और करते हैं, फिर तुम लोग बाकी थर्ड पार्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होमवर्क के लिए रखो, वो करना खुद से, 5 3 1 3, ठीक है, देखते हैं 3 से जाएगी सबसे पहले चेक करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 1 3, 2 बचे, 3 7 21, 2 बचे, 3 7 21, 3 जा रहा है, 3 3 1 3, ठीक है, 2 बचे, 3 7 21 23, तो वापस से 2 बचे, 3 7 21, रिमाइंडर 0 आ गया और 3 1 3, देख सकते हो आंसर, आंसर में वापस इसी में आ रहा, तो ले लो इसी को, तो 253, तो 7 11 23, 7 से 253 आएगा, 11 से 23 आ जाएगा और 23 से 1 आ जाएगा, तो उसी का एक्सटेंशन देख सकते हो, है ना, इसका मतलब 5 3 1 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 × 7 × 11 × 20, तो ये सारे अपन ने फैक्टराइज करके इसको लिखा है, इनको एक बार अपने नोट में लिखो, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद से लिखो, नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर डिस्कस भी करेंगे, तो मुझे इसके आंसर बता भी सकते, तो लिख लो इसको। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन और दिए हैं, एक्सप्लेन बाय, पहले सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन बाय 3 × 5 × 7 + 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है, ये जो नंबर मैंने लिखा है कंपोजिट नंबर है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके सोल्यूशन से, सिंपल सा सोल्यूशन एकदम, मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा तुम लोगों को, पहले तो तुम क्या करो इसको पूरा सॉल्व करके निकाल लो कितना आ रहा है, ठीक है, तो 3 × 5 अपने पास कितना हो जाएगा 15 और 15 × 7 कितना हो जाएगा अपने पास 7 5 35 और ये हो जाएगा 105, ठीक है, तो ये बन जाएगा 105, यानी इसको लिख लो ऐसे 3 × 5 × 7 + 7 = 105
प्लस 7 और 105 प्लस 7 करोगे तो 112 आएगा। तो देख सकते हो कि 112 को अब बताने कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो तुरंत यहाँ से देख के बोल सकते हो कि 112 अच्छा लास्ट में 2 आ रहा है, अगर लास्ट में 2 आ रहा है ये मतलब नंबर इवन है, और अगर नंबर इवन है तो मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। यानी 112 को क्या लिख सकते हो, देखो 112 को फैक्टराइज कर सकते हो, याद होगा तो फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 कितना होगा ये 2 2 जा 2 8 जा 2 14 जा 2 7 जा 7 बन, तो ये सब ऐसे से सॉल्व करके लिख सकते हो। तो बेसिकली इसके बाद वाले स्टेप में क्या लिखना है, 112 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो देख सकते हो ये जो 112 है ये 5 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है जिसमें से 4 के हैं 2 है, उसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइनली 2 की पावर 4 इंटू 7, समझा। तो इसका मतलब 112 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, देखो तुमने एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखा होगा तुमने शायद 8 to 9 स्टैंडर्ड में, तो वो भी लगा सकते हो। जैसे कि तुम्हें याद होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a दोनों में कॉमन आ रहा है तो a इंटू ऐसे b प्लस c लिख सकते हो, पॉसिबल है ना। तो इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3 into 5 into 7 है और यहाँ पे बस 7 है, तो इसमें से एंड इस ब्रैकेट में से दोनों में से 7 कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ऐसे पूछा जाएगा 3 into 5 plus 1 into 7। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया 3 into 5 अलग रखा, 7 और 7 दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे तो बचा क्या है, 1 बचेगा, चेक करना चाहिए तो 3 into 5 into 7 plus 1 into 7, याद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते चलो, ये कितना है 15 plus 1 16, तो 16 into 7 बन रहा है, और 16 क्या होता है 2 into 2 into 2 into 2, मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 की पावर 4 into 7। वापस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब ये नंबर क्या रहेगा, कंपोजिट। ये सब अपने तुम्हें मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम अपने रूप में जब लिखोगे तो अपनी भाषा में जो भी तुम्हारी अच्छी इंग्लिश है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक भी चेक कर सकते हो कि किस तरीके से वो मेंशन करते हैं, हर बार कौन कौन से स्टेटमेंट देते हैं। जैसे कि स्टार्ट करना है तो एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि दिस इज द नंबर, ठीक है, इसे स्टार्ट करेंगे, तुम्हें इसमें तो सॉल्व भी करना है। नाउ इसके बाद 112, नाउ फैक्टराइजिंग 112 वी गेट 112 इज इक्वल टू दिस ऐसे लिखना है, एंड नाउ 112 हैज फैक्टर्स अदर देन द 1 एंड नंबर इटसेल्फ, हेंस 112 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये सब लिखना है तुम्हें अपनी भाषा में, वो सब लिखो। फिर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चेक वेदर 4 की पावर n, 4 टू द पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है। यानी ये क्या क्या बन सकता है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, इस तरीके से नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन उसने ये सब निकालने नहीं बोला, उसने बोला कि चेक करो कि ये जो नंबर है 40 पर है वो लास्ट डिजिट उसका 0 पॉसिबल है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ठीक है, अगर मान लो ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 0 है, तो उसके बारे में तुम क्या कह सकते हो, लास्ट डिजिट 0 है मतलब नंबर इवन है, और नंबर इवन है तो उसका 2 तो फैक्टर आएगा ही आएगा, और 2 के अलावा और कौन सा फैक्टर आ सकता है, तो वो एक 5 भी आ सकता है, याद होगा 2 into 5 क्या रहता है, 10 रहता है। तो इसका मतलब अगर वो बोल रहा है कैन एंड विद द डिजिट 0, इसका मतलब लास्ट के मतलब इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स अपन बोल सकते हैं 2 और 5, यानी 10 जो है उसका एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि 10 into 80 तो 80 रहता है ना, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं कि 2 एंड 5 तो एक आना चाहिए। अब देखते हैं 4 की पावर n के बारे में कहा, तो 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर और यहाँ पे n, सही है। अब ये बन जाएगा इंडाइसेस यानी एक्सपोनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे तुम लोगों ने, 2 की पावर 2n, ये दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। फिर आगे क्या लिख सकते हो इसको कि 2 की पावर 2n, अब देखो 2 की पावर अगर 100 लिखते हैं अपन, 2 की पावर 100 का मतलब क्या होता है कि 2 को 100 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये भी किसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 ऐसे 100, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 2n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है।
मतलब ध्यान देना भी इस नंबर में, इस नंबर यानी 4 की पावर n को हमने क्या लिखा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा करते ही जा रहा है। तो इस नंबर में कहीं भी 5 आ रहा है क्या, क्योंकि अपने को कैन एंड विद द डिजिट 0 बताना है, तो 0 आने के लिए अपने पास ये दोनों होने चाहिए 2 और 5, तभी तो 10 आएगा। लेकिन देखोगे तो यहाँ पे सारे 2 ही आ रहे हैं और यहाँ पे एक भी 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर एक भी 5 नहीं आ रहा है, हेंस तो क्लियर हो गई कहानी कि यहाँ पे अगर एक भी 5 नहीं है तो कभी भी 4 की पावर n 0 के साथ एंड नहीं कर सकता। हेंस यहाँ पे लिखना है 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 प्रेजेंट इन इट्स फैक्टराइजेशन। एक भी फैक्टर ही नहीं है वो 5 वाला इन इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबको आई थिंक मैंने क्लियर कर ही दिया है इसमें क्या करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन और भी तुम्हारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 में भी दिए रहेंगे, तो तुम्हें वो सब भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम्हें क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें एचसीएफ और एचसीएम बताऊंगा और क्या क्या डीप में चीजें बताऊंगा। ठीक है, पहले इन दोनों को लिख लो अच्छे से। तो फाइनली आज का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि एचसीएफ एंड एचसीएम है। बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी था, एक दो डाउट पूछे थे कि एचसीएफ के बारे में, कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम ही एक ही मेथड है क्या, वो लेंथी वाला मेथड? तो नहीं, उसका आंसर नहीं है। उसमें और भी मेथड है, एक अलग मेथड है जो कि सिंपलर मेथड ज्यादा, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब ही क्या है कि ऐसा मेथड जिसको जिससे अपन एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आसान ज्यादा सिंपलर रहेगा वो यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली एचसीएफ एंड एलसीएम पहले समझना पड़ेगा है क्या। देखो पूरे नाम में कहानी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यह लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और वो सबसे हाईएस्ट होने चाहिए। जैसे कि वो क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी अपन हर नंबर को फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि दो नंबर को फैक्टराइज किया, दोनों में पहले कॉमन फैक्टर्स देखो और कॉमन फैक्टर में दोनों में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है हाईएस्ट जो स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी दोनों कॉमन फैक्टर आ रहा है उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है, ठीक है, वो अपना क्या रहेगा इसके अंदर सारे प्रोडक्ट में आएंगे और वो सारे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे एचसीएफ के अंदर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका नाम ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके ऊपर कुछ कॉमन जा नहीं रहा। ठीक है, और लोएस्ट लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, वो क्या है, कई बार देखा भी होगा तुमने जब फ्रैक्शन को एड करते हो तो डिनोमिनेटर दोनों को सेम करना पड़ता था, तो उस टाइम याद होगा तुम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता था, एलसीएम नाम के कंसेप्ट तुमने सीखी होगी, वही एलसीएम है। इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन प्राइम ढूंढे थे, इसमें कुछ कॉमन नहीं ढूंढना है, जो भी दोनों को जोड़ के जितने भी आ रहे हैं सब लिखने हैं, मतलब जोड़ के मतलब दोनों में जो हाईएस्ट आ रहा है वो। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट था लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट पावर, दोनों में जो ग्रेटेस्ट पावर आ रही है प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है, जो भी दोनों नंबर में इन्वॉल्व है वो उनका सबका प्रोडक्ट। ये दो वर्डिंग हो गए, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 72 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, 2 × 36, 2 × 80, 2 9s, 3 3s, 3 1s। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सारे फैक्टर्स निकाल लिए और फिर लिखते थे 72 को कितना है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 क्यूब है और 3 की पावर 2। ठीक है, सिमिलरली 120 को भी निकालते हैं एक बार, 120 के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 60, 30, 50, 3 5s, 5 1s। तो इसके भी अपन ने सारे फैक्टर्स निकाल लिए, तो मतलब 120 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो ये दोनों नंबर्स को अपन ने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है। अब मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ ऑफ 72, या फिर ऐसे लिखो, इसको लिखने का तरीका भी है कि एचसीएफ ऑफ 72, 120, मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। सिमिलरली अगर एलसीएम निकालना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 72, 120। तो देखना
एचसीएल में करना क्या है, दोनों के फैक्टर्स को चेक करो, यहाँ पे पूरे फैक्टर्स ही हैं, यहाँ पे पूरे फैक्टर्स ही हैं, ठीक है, दोनों के फैक्टर्स को चेक करो, टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, तो दोनों में टू की पावर थ्री यानी एट जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, टू यानी तीन बार है। अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर मैंने ऐसे लिखा, इसको दूसरे पेन से लिखते थे, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो टू इंटू इससे इसको अगर मैंने ऐसे लिखा टू इंटू टू इंटू टू इंटू और तीन को दो बार लिख दिया थ्री इंटू थ्री, स्टूडेंट इसको ऐसे लिखा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है। तो देखो अब करना क्या है तुम्हें, तुम्हें अगर ये फॉर्मूला से जाना है फॉर्मूला से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सीधा सोचो कि दोनों में, दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो देखो, यहाँ पे एक टू, एक टू, दो टू, दो टू, तीन टू आ रहे कॉमन दोनों में, फिर एक देख सकते थ्री भी दोनों में कॉमन आ रहा है, और भी कुछ कॉमन आ जाएगा नहीं, तो इसका मतलब खेल खत्म, सीधा क्या लिखना है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, तीन टू आ रहे हैं और एक थ्री आ रहा है, इसका मतलब टू इंटू टू इंटू टू यानी एट, थ्री जा ट्वेंटी फोर, यानी एच सी एफ ऑफ 72 एंड 120 इज इक्वल टू 24, समझे ये चीज, बस कॉमन निकालना है। अगर ये अभी इसके थ्रू भी बता दूं, देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, ठीक है, तो अब देखो टू की पावर थ्री, थ्री स्क्वायर है, टू की पावर थ्री, थ्री की पावर वन, फाइव की पावर वन, तो प्राइम नंबर कौन कौन से इक्वल है, टू थ्री एंड फाइव, ठीक है। अब कॉमन ढूंढने हैं, तो कॉमन टू एंड टू इसमें भी है, अब इसकी पावर देखो यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट पावर चेक करना, देखो स्मॉलेस्ट पावर चेक करना, देखो थ्री एंड थ्री, ठीक है, तो दोनों तो इक्वल ही है, तो क्या दिक्कत है, तो इसका मतलब टू की पावर थ्री ले लो, ये सब टू की पावर थ्री आ गए देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद थ्री की पावर टू, थ्री की पावर वन, स्मॉलेस्ट पावर लेना है तो थ्री की पावर वन ही लोगे, क्योंकि वन और टू में स्मॉल कौन सा, वन ही है, तो थ्री की पावर वन, यानी और बचा गया फाइव की पावर, यहाँ पे तो जीरो है, फाइव की पावर जीरो क्या होता है, वन, और फाइव की पावर वन है यहाँ पे, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, जीरो, इसका मतलब फाइव की पावर जीरो, फाइव को इंक्लूड नहीं करेंगे, हैं, जिसका एलसीएम इस तरीके से है। सिमिलरली अपन एलसीएम में निकालेंगे, एलसीएम में करना क्या है कि सबको एक एक बार लेना है, ठीक है, जैसे कि ये कॉमन आ रहा है उनको तो रखना ही है, जैसे कि देखो यहाँ पे जो कॉमन आ रहे हैं कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, टू 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 थ्री, इनको तो रखना है, ये चार जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं उनको रखना ही है, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी लेना है, थ्री इंटू फाइव, तो ये अपने इसके जब मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा एचसीएम, ठीक है। मैंने क्या किया वापस से बताता हूँ, जो एचसीएम आ रहा था वो तो मैंने रखा ही रखा है, उसके अलावा मैंने ये जो नंबर्स रह गए थे थ्री और एक फाइव रह गया था उनको भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताएंगे, तो क्या आ रहा है देखो, ये हो जाएगा अपने पास फाइव टू जो टेन हो रहा है, ठीक है, अच्छा दिमाग लगा था, टेन ट्वेंटी फोर्टी, तो फोर्टी हो गया, और फोर्टी इंटू नाइन कितना हो जाएगा, फिर ऐसे देखो नाइन नाइन फोर जो थर्टी सिक्स और थर्टी सिक्स इंटू टेन थ्री सिक्सटी, मतलब 72 एंड 120 का एलसीएम क्या आ रहा है, 360 आ रहा है। तुम चीज़ इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उससे भी देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, ठीक है, तो टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, थ्री और थ्री ज्यादा बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट पावर है, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर, तो थ्री एंड थ्री बड़ा कौन सा है, इक्वल है, तो टू की पावर थ्री लिखोगे तो टू की पावर थ्री आ गया, फिर थ्री की पावर टू, थ्री की पावर वन कौन सा लिखोगे, ग्रेटेस्ट पावर, तो थ्री की पावर टू बड़ा है तो थ्री की पावर टू को लिखोगे, देखो थ्री की पावर टू आ गया, फाइव की पावर वन, यहाँ पे फाइव की पावर जीरो, जीरो उन्होंने बड़ा कौन सा है, फाइव की पावर वन बड़ा है, मतलब फाइव की पावर वन को लिखोगे, और सबको क्या करना है, सबका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आएगा वो अपना क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो इस पर मैं और भी आज एग्जांपल्स कराऊंगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और भी इस पर कुछ कुछ नई चीजें बताऊंगा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, और अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर का नया टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स के बारे में कुछ कहानी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैंने होमवर्क जो पिछले क्लास का दिया था 1.2 एक्सरसाइज वो तुम्हें खत्म करनी है आज, ठीक है, कोशिश करो कि पूरा कर सको, अगर कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो कोई दिक्कत नहीं छोड़ देना, हो सके तो डाउट पूछ देना, लेकिन आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं, चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय।